नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारत के पहले लोकपाल बने जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने शपथ ली है। घोष को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई। इस दौरान यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई भी मौजूद रहे। बता दें कि जस्टिस पीसी घोष को मानवाधिकार कानूनों पर उनकी बेहतरीन समझ और विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। जस्टिस घोष उच्चतम न्यायालय के जज भी रह चुके हैं। वो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। वो अपने दिए गए फैसलों में मानवाधिकारों की रक्षा की बात बार बार करते थे। वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी हैं। वहीं जस्टिस घोष ने अपने सुप्रीम कोर्ट कार्यकाल के दौरान कई अहम फैसले दिए। वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रही जयललिता की करीबी शशिकला को आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा सुनाकर देश भर में चर्चा में आए थे। उन्होंने शशिकला समेत बाकी आरोपियों को दोषी करार देने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि फैसला सुनाए जाने से पहले तक जयललिता की मौत हो चुकी थी। वहीं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष कोलकाता के रहने वाले हैं। उनकी 5 पीढ़ी कानूनी पेशे से जुड़ी हुई है। घोष यहां के जोरासंको के प्रतिष्ठित दीवान बरनसाई घोष परिवार से आते हैं। घोष के पिता जस्टिस शंभु चंद्र घोष कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। साल 1867 में सदर दीवानी अदालत के पहले भारतीय चीफ जज बनने वाले हरचंद्र घोष भी इसी परिवार से थे। बता दें कि अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में जस्टिस रोहिंगटन के साथ पीठ में रहते हुए निचली अदालत को बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और बाकी नेताओं पर आपराधिक साजिश की धारा के तहत आरोप तय करने का जस्टिस घोष ने ही आदेश दिया था। जस्टिस घोष चीफ जस्टिस HL दत्तू और जस्टिस कलीफुल्ला के साथ उस पीठ के भी सदस्य थे जिसने तय किया था कि CBI की ओर से दर्ज मुकदमे में दोषी ठहराए गए राजीव गांधी के दोषियों की सजा माफी का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। वहीं जस्टिस राधा कृष्णन के साथ पीठ में रहते हुए जस्टिस घोष ने जलीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ जैसी परंपराओं को पशुओं के प्रति क्रूरता मानते हुए उन पर रोक लगाई। अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन के फैसले को पलटते हुए वहां पहले की स्थिति को बहाल करने वाले संविधान पीठ में भी शामिल रहे। सरकारी विज्ञापनों के लिए दिशा निर्देश तय करने वाली बेंच के भी वो सदस्य थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ही हाल में लोकपाल की नियुक्ति के लिए समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक के दौरान जस्टिस PC घोष के नाम पर सहमति बनी और जल्द ही इस संबंध में सरकार की तरफ से इसका औपचारिक ऐलान भी किया जा सका। बता दें कि देश में साल 2014 में ही लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट बन गया था, लेकिन अब 5 साल के बाद पहली बार लोकपाल की नियुक्ति होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जिस समिति ने लोकपाल पद के लिए जस्टिस PC घोष के नाम पर अपनी मुहर लगाई, उसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, मशहूर न्यायविद मुकुल रोहतगी शामिल थे। वहीं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इस बैठक में शामिल होना था, लेकिन उन्होंने सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। वहीं आपको बता दें कि लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के तहत जस्टिस PC घोष के पास ये अधिकार होगा कि शिकायत मिलने पर वो देश के मौजूदा और पूर्व प्रधानमंत्रियों के खिलाफ भी जांच कर सकते हैं। इनके अलावा लोकपाल केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, सरकारी कर्मचारियों और गैर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी जाँच कर सकते हैं। बता दें कि लोकपाल के पद पर नियुक्ति भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की ही हो सकती है। लोकपाल में अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से आधे न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। आधे सदस्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होना चाहिए। लोकपाल रह चुके लोगों की अध्यक्ष या सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्ति नहीं हो सकती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।